हेलो दोस्तों, आज हम लोग टेक्नोलॉजी के देश जापान के बारे में बात करेंगे। जापान टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के दूसरे देशों से बहुत आगे है। जापान में हर साल 1500 से भी ज़्यादा भूकंप आते हैं। इन भूकंपों में ज़्यादा की तीव्रता ना के बराबर होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिएटिविटी के मामले में जापानियों का कोई मुकाबला नहीं। इसी कारण जापान के पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी की उपलब्धियां हैं जो किसी के पास नहीं है। दुनिया में सबसे बड़े मोटर वाहन निर्माताओं में से 6 जापान से हैं। जापान में दुनिया की मोस्ट एडवांस ट्रेनें हैं, जो आज की तारीख में ट्रांसपोर्टेशन की सबसे अमेजिंग टेक्नोलॉजी है। दुनिया की सबसे तेज ट्रेन मैग्लेव ट्रेन 584 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती है। यह असामान्य बात है। जापान की तकनीकों को हम सभी जानते हैं। जापान की बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें पूरे विश्व में बेहतरीन माना जाता है। यहां पर आपको ऐसी शॉप मिलेंगी जिनमें आपको इंसान नहीं रोबोट ही मिलेंगे, जो एक शॉप पर लगभग सभी सामान बेचते मिल जाएंगे। इन रोबोट्स के बढ़ने के कारण जापान में बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जापान की कुल जनसंख्या करीब 13 करोड़ है और ये देश दुनिया का 11वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। जापान की राजधानी टोक्यो है और यहाँ की भाषा जापानी है। जापान की करेंसी येन है। जापान का ISD कोड +81 है और इंटरनेट TLD.JP है। आधुनिकता के इस दौर में अपनी सुविधा को बढ़ाने के लिए आज लगातार नई मशीन और अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का निर्माण हो रहा है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हर देश अपनी पहचान बनाने में लगा हुआ है, लेकिन इन सबसे हटकर जापान एक ऐसा देश है जो खासकर टेक्नोलॉजी की फील्ड में सभी देशों से आगे है। जापान ने 1945 में अमेरिका द्वारा हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु हमला झेला, जिसमें दोनों शहर बुरी तरह ख़त्म हो गए, लेकिन उसके बाद भी जापान ने अपने आप को आर्थिक शक्ति के रूप में सुदृढ़ किया। यहाँ की ट्रेन समय से 1 मिनट भी लेट नहीं होती है। जापान में तरबूज को बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है, लेकिन चौकोर और हार्ट के शेप में, जो बहुत ही ज़्यादा महंगे बिकते हैं। रोबोट्स जो घर और ऑफिस का काम करते हैं। लड़कियों को बाइक चलाते समय चोटी की वजह से हेलमेट लगाने में दिक्कत होती थी, तो उसका भी उपाय जापान ने निकाल लिया। जापान की ट्रेन में रोटेटिंग सीट्स भी होती हैं, जो किसी भी दिशा में घूम सकती है। तकनीकी तौर पर जापान दुनिया का टेक्नोलॉजी प्रमुख है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी देश, शहर या किसी चीज़ पर भी वीडियो चाहती हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करें।